रेडी स्टार्ट। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक अजिही लामिसाल शख्सियत दे स्वामी सन, जिन्हां ने मानव विकास दे हर पहलू नूं उभारन ते उसारन लई बेमिसाल सेधा प्रदान कीतियां डंडी। उन्हां दे आगमन नाल संसार विच चारे पासे नूरो नूर हो गया डंडी। सदियां तों चले आ रहे अति प्रत मानवी मना विच विगास ते खेड़े दा अनुभव जाग पिया डंडी। गरीब नू वी इवें भासण लगा कि ओह कि उस दी बां फड़न वाला कोई मर्दे कमाल मैदान विच नितर पिया है डंडी। बस कुछ ही समय विच गुरु नानक देव जी दा प्रताप सूरज दियां किरना वांग हर पासे फैल गया डंडी। इवें समझ लो कि गुरु साहिब दे आगमन नाल हर खेतर विच इनकलाब आ गया डंडी। उन्हां ने वहमां विच ग्रसे मनुखां दी अकल नूं छंडिया फूकिया ते उन्हां नूं फजूल दे कर्म कांडां तों निजात दवाई डंडी। देवी देवत्यां तों उन्हां दा मूँह भवा के सिद्धा अकाल पुरख वल कर दिता डंडी। उन्हां दी किरपा सदका बोझल ते सखणा इंसान अपने आप नूं हल्का फुल्का पर भरिया भरिया समझण लग पिया डंडी। इत्थे ही बस नहीं, श्री गुरु नानक देव जी दा साजिया संवारिया मनुख वंड छकण दसां नहुआं दी किरत करन नेक कमाई करके गृहस्थी जीवन दी गड्डी अग्गे तोरन विच परपक होण लगा डंडी। उसने गुरु दे चरण कमला नाल जुड़ के सेवा ते सिमरन दी जाच सिखी डंडी। ओहो इतनी छेती इतना सुधर गया कि सरबत दे भले दी लोचा उस विच हर समय टप टप पैन लगी डंडी। गुरु दी मेहर ते किरपा दा पात्र बन के ओहो मनुखी जामे विच देवता सरूप दिसन लगा लग पिया, जिस दा काम क्रोध लोभ मोह ते हंकार तो बिना कोई वैरी नहीं सी डंडी। जालम जाबर ते हैंकड़बाज राजे महाराजे ते तनाड शासक भी आखर सच अगे चुके ते अपनियां भुलां बख्शा के सिद्धे रस्ते ते तुरे तुर पे डंडी। नतीजा यह निकलिया कि वातावरण साफ हो गया, हिरदे मनवर हो गए, सदाचार विच स्वच्छता संचित हो गई, जिंदगी दा हर पहलू छंडिया फूकिया गया डंडी। इस्त्री जो सदियां तो लताड़ी आ रही सी नू सुख दा सा गुरु नानक देव जी ने ही दवाया डंडी। गुरु साहिब वल्लों उस नू घर समाज अते सभ्याचारक जीवन विच सन्मानजनक स्थान दित्ते जान सदका ओह राजियां दी मां सूरबीरां दी भैण ते प्रतिष्ठवाना दी बेटी समझी जान लग पई डंडी। इस तरह श्री गुरु नानक देव जी दी युग पलटाऊ ते क्रांतिकारी सोच अते उपदेशां ने समाजिक ते परिवारक ढांचे विच बड़ियां उसारू ते महत्वपूर्ण लीहां पाईयां डंडी। स्टॉप।